प्रदेश के मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी ने कमान संभालते हुए सिविल लाइन स्थित पीएससी तराई पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में पिछले 12 दिनों से लॉकडाउन पर है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग अपनी गाड़ियों पर सवार होकर सड़कों पर बेवजह दौड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में भी चल रहा है, जिसे सुधारने के लिए आज मुरादाबाद के दोनों वरिष्ठ अधिकारी डीएम और एसएसपी सड़कों पर लाव लश्कर के साथ सड़कों पर निकल पड़े और अपने अंदाज में लॉकडाउन का पालन करने की सीख वाहन चालकों को दी। डीएम राकेश कुमार सिंह और एसएसपी अमित पाठक इसके बाद सिविल लाइन के सबसे व्यस्तम चौराहे पीएससी पर पहुंचकर विशेष रूप से कार चालकों को चेक किया। एक बहुत व्यस्त मार्ग पर है ये कार्ट रोड पर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्टाफ हैं। तो यहाँ पर व्हीकल्स चल रहे थे तो हम लोगों ने, हमें जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय, हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग करी है, लेकिन हम लोग का ये एनालिसिस है कि 80% व्हीकल्स ऐसे थे जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए थे, या तो वो डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ था या नर्सिंग होम का स्टाफ था या जेन्युइन पेशेंट्स थे। लेकिन जो 20% लोग मिले हैं उनसे, उनका हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, कई केसेस में हम लोगों ने कार्रवाई करी है, वाहनों के चालान भी किए, 188 के वायलेशन के 188 की धारा में मुकदमा भी कर रहे हैं। और करीब 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रीज़न अभी तक नहीं मिला है, तो उन पर हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, कुछ लोगों के विधायक गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ है, कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, उस स्टिकर को हम लोगों ने हटवा दिया है। और एक और गाड़ी पे एक पास लगने का भी हुआ है, उसको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि ये पास जेन्युइन है, क्यों लगाया गया है, तो वो जानकारी। सर, घोषित के 14 अप्रैल तक घोषित है, ऐसे में क्या सख्ती करेंगे या फिर? और देखिए, लॉकडाउन का मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही निकलने की बात हुई है। मुरादाबाद प्रशासन ने बहुत अच्छे काम करते हुए 100 से ज़्यादा तो सब्जी की गाड़ियाँ निकाली हैं, राशन की खूब सारी गाड़ियाँ निकली हुई हैं। किसी, हम लोग रोज़ घूमते हैं, घंटों घूमते हैं, देखते हैं, रुक के राशन की दुकानों पर देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली शॉप्स पर देखते हैं, सब्जियों की दुकानों में देखते हैं, खूब सब्जी फल सब जगह उपलब्ध है। ऐसे में अनावश्यक जो लोग मूव कर रहे हैं ये कहने के लिए कि हम एक पर्चा ले लिया छोटा सा, उसमें एक दवाई दिखा रहे हैं, तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने भी होम डिलीवरी के सिस्टम से स्टार्ट कर रखे हैं। तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जिन अधिकांश लोग जो नॉन एसेंशियल वाले जो कैटेगरी में आ रहे हैं, वो बेमतलब में जो है निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई। थैंक यू।